वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने चर्चित सीट हैदराबाद पर पूरा जोर लगा दिया है। यहां से भाजपा ने के माधवी लता को अपने उम्मीदवार बनाया है। अब बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी माधवी लता के समर्थन में हैदराबाद में प्रचार किया। इस प्रचार के दौरान अमित शाह ने हैदराबाद के सांसद ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने हैदराबाद से सांसद और AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को इशारों में रजाकारों का प्रतिनिधि करार दिया है। आइए जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कुछ कहा। हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजें।